नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टेनो एनजी के यूट्यूब चैनल में। आज हम दैनिक जागरण संपादकीय डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इस डिक्टेशन का समय 10 मिनट का रहेगा और इसकी गति पहले 80 शब्द प्रति मिनट, उसके बाद 90 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3 स्टार्ट। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल पर मुहर लगाने की तैयारी के बीच चीन ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी आतंकी सरगना शहीद महमूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव पर जिस तरह अड़ंगा लगाया, उससे यह और अच्छे से स्पष्ट हुआ कि शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन और अधिक बेलगाम होने के साथ विश्व शांति के लिए सिरदर्द बनेगा। हाल में यह चौथी बार है जब चीन ने संयुक्त राष्ट्र में किसी आतंकी का खुलकर बचाव किया है। इसके पहले वह पाकिस्तान के ही 3 और आतंकियों को प्रतिबंधित करने के प्रयासों पर पानी फेर चुका है। लश्कर जैश जैसे आतंकवादी संगठनों से जुड़े रहे ये सभी आतंकी भारत के लिए खतरे रहे हैं। इनका बेशर्मी से बचाव कर चीन ने न केवल यह सिद्ध किया कि उसे अपनी वैश्विक छवि की चिंता नहीं, बल्कि यह भी कि वह भारतीय हितों को चोट पहुंचाने वाले अपने रवैये का परित्याग करने वाला नहीं, भले ही इसके लिए आतंकियों की ढाल ही क्यों ना बनना पड़े। चीन के अड़ियल रवैये की झलक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में राष्ट्रपति जिनपिंग के भाषण से भी मिली। उन्होंने ताइवान को लेकर एक तरह से दुनिया को धमकाने का ही काम किया। इसी अधिवेशन में उन्हें केवल तीसरी बार सत्ता की कमान ही नहीं सौंपी जाएगी, बल्कि और अधिक शक्तियां भी प्रदान की जाएगी। चूंकि ये शक्तियां असीमित होगी और वह पहले से ही राष्ट्रपति के साथ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव एवं सेना प्रमुख है, इसलिए यह सहज ही समझा जा सकता है कि वह और अधिक निरंकुश तानाशाह होने जा रहे हैं। इसका एक अर्थ यह भी है कि वह भारत समेत अन्य पड़ोसी देशों के साथ विश्व व्यवस्था के लिए भी चुनौती बनने जा रहे हैं। पैरा चेंज, यह ठीक है कि भारत को चीन की ओर से पेश की जा रही चुनौतियों का भान है और इसकी पुष्टि विदेश मंत्री जयशंकर के इस कथन से होती है कि नया युग केवल चीन का ही नहीं है, लेकिन उसकी दादागिरी का सामना करने के लिए भारत को और अधिक सजग होना होगा। वह
ना तो चीन पर भरोसा कर सकता है और ना ही उसे मित्र देश के रूप में देख सकता है। चीन पाकिस्तान को जिस तरह भारत के विरुद्ध एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है, वह किसी से छिपा नहीं। वास्तव में इसी कारण चीन उसके आतंकियों को प्रतिबंधित होने से बचा रहा है। उसके शत्रुतापूर्ण रवैये को देखते हुए यह आवश्यक है कि भारत उसका सामना करने के लिए स्वयं को और अधिक सक्षम बनाए। इसके लिए उसे अपनी सैन्य तैयारियों को आगे बढ़ाने के साथ ही उस पर आर्थिक निर्भरता भी खत्म करनी होगी और अपनी अर्थव्यवस्था को सबल भी बनाना होगा। अब हम इसी डिक्टेशन को 90 शब्द प्रति मिनट की गति से दोहराएंगे। 1, 2, 3 स्टार्ट। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल पर मोहर लगाने की तैयारी के बीच चीन ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी आतंकी सरगना शहीद महमूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव पर जिस तरह अड़ंगा लगाया, उससे यह और अच्छे से स्पष्ट हुआ कि जिनपिंग के नेतृत्व में चीन और अधिक बेलगाम होने के साथ विश्व शांति के लिए सिरदर्द बनेगा। हाल में यह चौथी बार है जब चीन ने संयुक्त राष्ट्र में किसी आतंकी का खुलकर बचाव किया है। इसके पहले वह पाकिस्तान के ही 3 और आतंकियों को प्रतिबंधित करने के प्रयासों पर पानी फेर चुका है। लश्कर जैश जैसे आतंकवादी संगठनों से जुड़े रहे ये सभी आतंकी भारत के लिए खतरा रहे हैं। इनका बेशर्मी से बचाव कर चीन ने न केवल यह सिद्ध किया कि उसे अपनी वैश्विक छवि की चिंता नहीं, बल्कि यह भी कि वह भारतीय हितों को चोट पहुंचाने वाले अपने रवैये का परित्याग नहीं करने वाला भले ही इसके लिए आतंकियों की ढाल ही क्यों न बनना पड़े। चीन के अड़ियल रवैये की झलक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में राष्ट्रपति जिनपिंग के भाषण से भी मिली। उन्होंने ताइवान को लेकर एक तरह से दुनिया को धमकाने का ही काम किया। इसी अधिवेशन में उन्हें केवल तीसरी बार सत्ता की कमान ही नहीं सौंपी जाएगी, बल्कि और अधिक शक्तियां भी प्रदान की जाएगी। चूंकि ये शक्तियां असीमित होगी और वह पहले से ही राष्ट्रपति के साथ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव एवं सेना प्रमुख है, इसलिए यह सहज ही समझा जा सकता है कि वह और अधिक निरंकुश तानाशाह होने जा रहे हैं। इसका अर्थ यह भी है कि वह भारत समेत अन्य पड़ोसी देशों के साथ विश्व शांति के लिए भी चुनौती बनने जा रहे हैं। पेरा चेंज, यह ठीक है कि भारत को चीन की ओर से पेश की जा रही चुनौतियों का भान है और इसकी पुष्टि विदेश मंत्री जयशंकर के इस
कथन से होती है कि नया युग केवल चीन का नहीं है, लेकिन उसकी दादागिरी का सामना करने के लिए भारत को और अधिक सजग होना होगा। वह न तो चीन पर भरोसा कर सकता है और न ही उसे मित्र देश के रूप में देखा जा सकता है। चीन पाकिस्तान को जिस तरह भारत के विरुद्ध एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है, वह किसी से छिपा नहीं। वास्तव में इसी कारण चीन उसके आतंकियों को प्रतिबंधित होने से बचा रहा है। उसके शत्रुतापूर्ण रवैये को देखते हुए यह आवश्यक है कि भारत उसका सामना करने के लिए स्वयं को और सक्षम बनाए। इसके लिए उसे अपनी सैन्य तैयारियों को आगे बढ़ाने के साथ ही उस पर आर्थिक निर्भरता भी खत्म करनी होगी और अपनी अर्थव्यवस्था को और सबल भी बनाना होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।